अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाबरान व्लॉग। आज का इंटरेस्टिंग से व्लॉग स्टार्ट किया है। आज हम करीब तरीन एक जगह है, वहां पे आउटिंग के लिए जा रहे हैं। एक नई लोकेशन है, खुद मैं पहली दफ़ा जा रहा हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। वहाँ पर जाके खाना बनाना है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ है वो भी, और साथ वहाँ पर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शोगल होगा, फन होगा, इन्जॉय भरपूर करने लगे हैं। तो जल्दी से आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किया है, ये शाल ली है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो वापसी पे आते हुए सर्दी बन सकती है। मारखोर हमारा लग गया है और मैं बिल्कुल फुल एंड रेडी। ओके, तो अब यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर तक, बस कुछ हैं, स्टूडेंट्स भी साथ हैं, टीचर्स भी साथ हैं, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं। ये जो हमारा है दोस्त मैस वाला फरमान भाई, वो खाने वगैरह का इंतज़ाम करने गया हुआ है। वो जैसे ही आता है फिर हम यहाँ से निकलेंगे। जिस जगह पे जा रहे हैं वो मेरे लिए भी नहीं है, आप लोगों के लिए भी नहीं होगी, तो वो जगह देखने के काबिल है इंशाल्लाह। वहाँ पर जाके मज़ीद बातें करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। इरफान साहब इधर देखें। अच्छा, अगर शहर को जेब में लटका लो फिर है? तीन तीन छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात। बाइक रेडी है? चना का ये नहीं पता मुझे, तो पता चल जाएगा ना, बस निकलने लगे हैं यहाँ से हैं। जी व्यूअर्स, तो हम यहाँ से निकलने लगे हैं, पीछे यूनिवर्सिटी है, हमारा हॉस्टल है, तो यहाँ से निकलेंगे। आओ जी अंकुल जी, अंकुल जी देखें ना, आपको पिक्चर देखो कैसे आ रही है। तो हम यहाँ से निकलने लगे हैं, जाते हैं, जो आपको बताया था ये सारे पीछे मतलब खड़े हैं, इंतज़ार करें बस, और रिक्शा भी आ गया, बाइक वगैरह रेडी है हमारे, तो हम यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं। चलो जी फिर जा रहे एडमिशन पे हैं, अच्छा फिर जा रहे एडमिशन पे। रेडी है बॉस? रेडी है, हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? आज खान साहब जो है ना, हमें एक बड़ी बेहतरीन जगह पे लेके जा रहे हैं। इरफान साहब की कोशिश होती है कि हम बोर ना हो यहाँ पे। बोर ये बंदा नहीं होने देता बोर हमें। ये आ गए हैं जहाँ पे आना था, जहाँ पे खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये जगह है, पुल है मेन, एक साइड भी ये पुल है, ये दूसरी पुल है, हम इसके डाउन में जा रहे हैं अभी, तो डाउन जाना है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी होगा, शोल करेंगे वहाँ पे। तो बाकी वो दोस्त तो कुछ पहुँच गए हैं, पीछे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो चले जी हम आगे चलते हैं। मैं आपको आगे जा दिखाता हूँ कि मज़ीद वहाँ की जो जगह है, लेकिन है कि ठीक है नहीं, अभी भी सही है एजुकेशन, या उधर जा सकते हैं, इधर उधर जो मर्जी। मुश्किल तरीन रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं और ये वहां तक जाना है, बस करीब आ गए, लेकिन अचानक से ढलवान है, मुश्किल से हाफ कवर कर लिया और हाफ ना, आगे मुश्किल से जा रहे हैं। फीवर जो ये वहाँ से इतनी मतलब ढलवान थी जहाँ से हम डाउन आए हैं, यहाँ से तो कम ही लग रही लेकिन बहुत ज़्यादा है। वो बाइक ऊपर खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला है यहाँ पे उतरते हुए। अब आखिरी बंदा कामयाब हमारा ये बंदा पहुँचा है। आप बताओ कैसा रास्ता था? पैराशूट से होते नहीं, मेरा दिल था कि मैं ठहर जाता हूँ ना। हाँ, लेकिन नहीं, उस पर घूमता हुआ, लेकिन वो मतलब नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं, बिल्कुल स्लिपरी थी, तो यहाँ से डाउन आते हुए बड़ी मुश्किल हुई है। पर चलो, एक हार्ड टाइम था, ओवर हुआ, अब यहाँ पे आए, ये पानी चल रहा है, लोग आगे मछली का शिकार करें, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे गए हुए हैं, मैं भी उधर जाता हूँ। ये ताज़ा पानी बिल्कुल
बड़ा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हाँ तो मैं ख़ुद यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। वहाँ से उतरते हुए जो मज़ा है वो एक नया था, मोड़ था, एक नया मतलब सफ़र था। इन्जॉय किया कभी इस तरह के रास्ते से नहीं उतरते, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो जगह है ना, मतलब जो पानी चल रहा है, ये नेचुरली है। ये भी एक हमारा जो ट्रिप है उसमें खूबसूरती का इजाफा करे। और पीछे इससे ज़्यादा बेहतर है, वो सामने दोस्त जो है वो खाना बना रहे हैं, वो खाने का यहाँ पे बैठ के और ही मज़ा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या बना रहे हैं। ये हमारे हैं प्यारा भाई। प्यारा भाई क्या बनाओगे? बनाएंगे सर बिरयानी भी है और स्पेशल कढ़ाई भी है। जिंदाबाद। और उसकी बात मलाई का बोटी भी है। जिंदाबाद। हमारा प्यारा भाई आया है, बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से आया है, स्पेशल इनके लिए बनाते हैं, क्योंकि इनका एक डिश ज्यादा डसना। क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। और दूसरे नंबर पे अभी कितना देर है, ये तभी कोयले इकट्ठे किए हैं। हाँ हाँ सर, ये कढ़ाई बढ़ाई वगैरह वो सीख बनाते हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ। बहुत ही मजा है सर जी। पानी ठंडा है ना? ठंडी बहुत है सर जी, बहुत ठंडा। नेचुरली है, नेचुरली बहुत ही जगह। हला हला वो वही आ रहे इसका वो किधर गया? डेक डेक नहीं है अभी तक, लेके आ रहे हैं। अतन मारेंगे ना आज, तो दिखानी है अतन, दिखानी है। मर्दानी के लिए वलीमा लेकर आते हैं ना, मर्दानी के लिए नहीं, वो सामने उसके लिए बनात लेकर आते हैं। किसके लिए? उनके लिए। ओ सामने जो बैठा है। अच्छा अच्छा। अब हम जाते हैं वहाँ पे, एक और हमारे नासिर भाई हैं, वो यहाँ पे ना मछलियों का शिकार कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जाते हैं। इरफान साहब भेड़ का शिकार भी कर रहे हैं। किसका? भेड़ का। ये देखो भेड़ का नहीं, इधर नजम बहुत आ रहे हैं पीछे। गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है यार। जगह तो वैसे ठंडी है बहुत ज्यादा यार, जगह मुझे सोच रहा था, मुझे टेम्परेचर भी था, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है कि थोड़ी गर्मी लग गई। तो फान साहब ने केटू से नीचे हमें उतारा तो पसीने बहुत खतरनाक, देखिए रास्ता बहुत खतरनाक था, तो गर्मी में अपने सारे गुनाहों की माफी मांग ली। बस गए दूसरे जन्म में गए, लेकिन उतर आए और बहुत ही मतलब वो टेक्निक यूज किया जो लोग केटू और माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए। लेकिन आप अगर हाइकर बने तो बन सकते, इसका मतलब आप एबिलिटी है बहुत सारा टेक्निक से हम उतरे हैं। और ये हमारे दोस्त है, इसको पकड़ के खाया ना ये, देखो यार कैसे हमारे साथ पार्टी मनाने आए हैं। ये भी हमारा। अब यहाँ से हम डाउन होते हैं। इसका नाम गुल्लू पिल्लू है। कौन सी है? गुल्लू पिल्लू है। तो ये भाई यहाँ पे भेड़े चरा रहा है, तो डाउन में चारा शारा ठीक है ना, खूबसूरत है, प्यारी प्यारी है। तो नहीं है। बाकी ये दोस्त खड़े हैं, इतना सही तरह बैलेंस करके ऊपर वो आ जाएगा स्लैब से ये। अच्छा इरफान साहब, इरफान साहब, हमारे इलाके में इस तरह की मिट्टी होती है, पता है मुझे, हमारे भी ऐसी होती है। मजे के देखो, अपना इलाका याद आ गया। जी जी। जड़ में भी भावलपुर जैसा है, जड़ में भी अपना एरिया की याद दिला दी, क्योंकि ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से आई होगी, पानी से। नासिर भाई, अंकल नासोर वो सामने आ रहे हैं, वो देखो ना कोयल, कोयल किधर है ना, फिर करो ना। ओशा भाई, कौन से पत्थर है यार? आराम से भाई साहब, क्या हो रहा है? आगे चल चल, किधर बनूं? आगे जाना है भाई, आगे आगे तो पीछे भी सा, लेकिन इतने हूं कौन वैसे, वो खतरनाक रस्ता तो साथ जी घिना है। हमारे अंकल नासिर हैं यहाँ पे, ये मछली का शिकार करने आए थे और कह रहे हैं अभी तक मछली एक ही नहीं लगी। बाकी ये बॉस खड़े हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं अभी, वो उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मसूद और फरमान भाई ये चीज़ें बना रहे हैं। हाँ डांस, अभी डांस का प्रोग्राम फिट हो जाए, साउंड फिट हो जाए, फिर डांस करते हैं। डांस भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर अभी तो पार्टी शुरू हुई है और वो सामने मतलब खड़े हैं सारे। जी व्यूअर्स, हमारा खाना वहाँ पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे पुल के नीचे खड़े हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं यहाँ पर। मसूद यार, गाइस दिखा दो ऐसे क्या उतार दो, क्या होता है
हाँ अली कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। वहाँ से जब उतर रहे थे तो अच्छी फीलिंग नहीं थी, अब अच्छी फीलिंग आ रही है। बिना चले अब जाते हैं उनके पास। चलो जी वहाँ पे डांस पार्टी शुरू हो गए तो हम भी जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा डांस करते हैं, शुगल करते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ जाके थोड़े से गपशप भी करते हैं। डांस करनी है ना? यस सर। अब वीडियो क्लिप व्यूअर के लिए ना थोड़ी सी डांस का करते हैं। एक दो फिर डांस करें। फरमान फरमान भाई आए ना हमारे साथ, क्यों यार? पिक्चर ही नहीं खत्म हो रही अभी, जगह प्यारी है ना। एक कुर्बानी भी याद रखी जाएगी। देखिए हमारी कौन सी जाली बोटी पी ले, भी यही थी ना जाली बोटी। फरमान भाई जाली बोटी है ना? हाँ बाकी भी चीजें बताई है फरमान भाई ने। खूब इंजॉय किया है। अब शाम हो रही है, खाना हमारा तैयार हो गया, बस खाना लग रहा है, खाना खाते हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या क्या बनाया था। तो वो देखिए सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं, रेडी हो गई हैं, बल्कि ये दस्तरखान हमारा लग गया है। बाकी शाम का टाइम है, देखें थोड़ा सा ना पीछे मतलब अब अंधेरा होने लगा है। इस बंदे ने बड़ी जनान डांस की है। हाँ बॉस आसान से है। इंग्लिश में बोलूं या ट्रैकी में? क्यों फील थी ना पिए? Yes, definitely. I am feeling very well, and this is my first time to come here. And definitely, after a few minutes, we will enjoy a very we will enjoy a very healthy food which is cooked by Mr. Farman. So, Mr. Irfan. Yeah, this man is about 30-40% here, sir. He is also doing his duty very well. So we are enjoying a lot. A lot.
सर जी, सर जी, हाउ यू फील? कैसा फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा मजा है ना। और ये एक होता है कभी कभी मौका एंटरटेनमेंट का, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये चीज अच्छी होती है, होनी चाहिए कभी कभी, सेहत के लिए अच्छी है। एडवांस में शुक्रिया भाई साहब, क्या आपने यहाँ पे पार्टी दिए लेके आए हैं। रोज ऐसा हो फिर ठीक है, पूरा ड्रामा है। सारी चीजें रेडी हो गई, अब हम खाना खाने लगे हैं। इंटरनेट